الوعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother in Islam, Yasir Qadhi. I am sitting now with Dr. Muhammad Al-A'zami, one of the greatest muhaddithin of our era, and somebody whom I've had the honor and pleasure of studying with. And I am very fortunate to be in the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have the opportunity to interview him. And the Sheikh has asked that we conduct the interview in Urdu. So Sheikh Sahib, Jazakallah khair, aap apne waqt de rahe hain hamare liye, alhamdulillah. To pehli baat hai Sheikh Sahib, apna zara taaruf kara dijiye ki aap kahan paida hue aur aapki diyanat kya thi aur aap kaise Islam kaise aapne dhoonda Islam ko. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mukhtasaran ye ki Allah taala hi ka karam, uski nawazish ki main asal to Hindu ghar mein paida hua, lekin Allah taala ne mujhe kai asbab ki wajah se musliman banaya aur na sirf deen Islam mein dakhil kiya balki Quran hadith padhne ki bhi taufeeq ata farmayi. और उस वक्त से लेकर आज तक मैं कुरान हदीस की खिदमत में लगा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 20 किताबें इस मौजू में लिख चुका हूँ. मेरी आखिरी किताब जो छपी है इसे 12 जिल्दों में, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सही हदीसों का, पहले हज़ारों किताबें लिखी गई हैं लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें सारी सही हदीसें जमा कर दी गई हूँ. हदीस नेमत के तौर पर अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला बहुत बहुत यानी शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला मुझे इस काम की तौफीक अता फरमाई. तो आपने जो अभी किताब लिखी है वो कितने जिल्द में छापी गई? अब तक जो है 12 जिल्दों में छप चुकी है. 12 जिल्दों में जी हाँ. लेकिन अब इसको मैं रिवाइज किया मैंने और 3 साल से फिर दोबारा उस पर मैंने गौर खोज किया, तब ये 18 जिल्दों में तकरीबन पहुँचेगी. 18 जिल्द. इसमें कितने अहदीस हैं? इसमें 16,800. और ये पहली बार तारीख इस्लामी में सब सही हदीस को एक किताब में जमा की जा रही है. तो शेख साहब, आपके जो किस्सा और कहानी में जो सब लोग ताज्जुब करते हैं कि ये कैसे आप हिंदुस्तान में एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए और आपने ये खिदमत दीन की है, आप कौन से साल इस्लाम कबूल किए थे? 1960. और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मेरी उम्र था 16 साल. 16 साल में आपने इस्लाम कबूल किया? जी हाँ. इसका किस्सा क्या है कि 16 साल का लड़का हिंदुस्तान में, जहाँ पे मुसलमान हिंदू के बीच में कितने लड़ाई झगड़े होती है, तो आपको कैसे इस यंग उम्र में क्या हुआ, इसका क्या किस्सा है? असल में ऐसा हुआ कि मुझे एक मतलब एक किताब मिली जिसका नाम था दीन हक. तो उसमें पहली आयत थी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम. तो उसका तर्जमा पढ़ा मैंने, जब वो हिंदी में थी असल में, तो जब उसमें पढ़ा मैंने इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ. ये क्या बात हुई कि अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम ही मकबूल है और बाकी मज़ाहिब मकबूल नहीं हैं? ये बात बहुत ही अजीब सी लगी मुझे. इसलिए कि हम गीता और कृष्णा के जो अखबार पढ़ते थे अपने ज़माने में, उसमें था कि तुम किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक पहुँचोगे, किसी तरीके से मेरी इबादत करो तुम सब मेरे पास ही पहुँचोगे. तो हमारे जहन में था कि सारे दीन ठीक हैं, सबके अलग अलग जो हैं रास्ते हैं, रस्म रिवाज हैं, लेकिन सब अल्लाह के यहाँ पहुँचाएँगे. लेकिन ये क्या बात है कि कुरान ने कह रहा है कि सिर्फ इस्लाम ही अल्लाह तक पहुँचाने वाला है? तो मेरे लिए एक जज्बाती वो बन गई, क्या कहते हैं, इंजियाज पैदा हुआ. ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैंने फौरन अपने बाद असाध्या जो थे मेरे पंडित और जो बड़े बड़े असाध्य, उनसे मुराजत करने शुरू कर दी मैंने कि भाई बताएं जरा हिंदुइज्म में जो है ये क्या है, ये क्या है, ताकि पता लगाऊँ कि अगर हिंदुइज्म अगर ठीक ठाक है तो फिर इस्लाम पर मदद कर सकूँ. लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा और उनसे मैंने कुछ सवालात वगैरह किए, तो वो मेरे सवालात जवाब नहीं दे पाए सही. एक तरफ मैं इस्लाम पढ़ रहा था और दूसरे हिंदुइज्म पर अपने जो है वो कर रहा था, क्या कहते हैं, नॉलेज बढ़ा रहा था ताकि इस्लाम के रद्द में कुछ लिख सकूँ मैं. तो आपको
इस्लाम के रद्द करना था, आपको रेफ्यूटेशन लिखना था, रद्द में लिखना था मुझे। आपने कोई मुसलमान से मुलाकात की थी इस वक्त तक? उस वक्त तक मेरे एक दो उस्ताद थे मुसलमान, तो उनसे मैं कुछ पूछता था, जब सवाल करता था तो जवाब देते थे, लेकिन मेरा मकसद था कि मैं इस्लाम का रद्द करूँ हिंदुइज्म पढ़ करके, हिंदुइज्म पर अथॉरिटी हासिल करके। लेकिन एक तरफ मैं हिंदू उलमा के पास जाता था, दूसरा मुस्लिम उलमा से जाकर सीखता था इस्लाम। तो मुझे जब कंपेरेटिव किया मैंने, तो पता चला कि हिंदुइज्म में कुछ है ही नहीं, हिंदुइज्म कुछ चीज़ ही नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ खुराफात और वाहियात और रस्म रिवाज, मालाई देवमालाई किस्से, इसके अलावा उसकी कोई असास ही नहीं है। और हिंदुइज्म में कोई अल्लाह को माना है, नहीं माना है, एक माना है, दो माना है, एक करोड़ माना है, सब हिंदू, न माने तो भी हिंदू, एक माने तो भी हिंदू, एक करोड़ माने तो भी हिंदू, अजीब अजीब वाक़यात। फिर जो राम कृष्णा वगैरह के वाक़यात आते हैं उसमें भी बेतहाशा अंधविश्वास पैदा होता है, वाक़यात में जो है कोई सच्चाई का पहलू दिखाई देता है। फिर हमने बाद हिंदू उलमा से इन वाक़यात की तारीख पूछी तो कोई तारीख ही नहीं मिलती है। तो यानी एक हिंदुइज्म एक मेरे सामने जो है बिल्कुल एक मफहूम मुबहम सा एक मजहब बनकर रह गया। और इधर मैं इस्लाम का भी थोड़ा मुताला करता रहा ताकि इस्लाम पर पता चला इस्लाम क्या है। ये कश्मकश कोई 6-7 महीने चलती रही मेरे अंदर, ये सूरत हाल रही 6-7 महीने तक। और इस बीच फिर मुझे कुरान पढ़ने का मौका मिल गया हिंदी में, तो और मेरे नॉलेज कुरान पढ़ाता चला गया। फिर बस अल्लाह की तरफ से मिले कि अल्लाह का कोई वक्त ऐसा मुतय्यन था, कोई ऐसी साह आई कि अल्लाह ने फैसला कर दिया मेरे लिए, नहीं तुम्हारे लिए जो है इस्लाम ही सही है और हिंदू छोड़ो इसको। तो इस तरह मैंने इसको छोड़ कर दिया, इस तरह आ गया। तो फिर आप जामिया इस्लामिया कैसे आए, आप कौन से शहर में थे हिंदुस्तान में? ऐसा था कि मैं था तो यूपी में, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए यूपी में रहना मुश्किल हो गया, और मैं 1.5 साल तक तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में हिजरत करता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ का। आपकी जान खतरे में थी? जी जी, सूरत हाल जो है बहुत नाजुक थी उस वक्त, और ये शायद उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये सालों यानी सैकड़ों साल के बाद ऐसा कोई वाक़ा हुआ हो, कोई हिंदू मुसलमान हुआ हो, इसलिए कि कोई फिजा ऐसी नहीं थी कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, तो नई चीज़ थी बिल्कुल, एक पूरा समाज एकदम जो है उसमें जो है गर्मी पैदा हो गई और पूरे समाज में जो है उथल पथल और जिसे कहते हैं तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो फिर अपने आप को बचाते हुए मैं 1.5 साल तक तो यूपी में घूमता रहा इधर उधर। जब वहाँ कामयाब नहीं हुआ तो पता चला कि हर तरफ से मुझे घेरा जा रहा है, फिर वहाँ से मैं जुनूबी हिंद चला गया, और वहाँ एक जामिया जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, वहाँ 5 साल तक वहाँ से मैंने अरबी पढ़ लिया, और फिर वहाँ से मदीना स्ट्रीट में दाखिल किया। 1971 में आपने फिर वो मुकम्मल किया? जी। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे पढ़ने बहुत शौक था, तो मैं नौकरी के बजाय नौकरी मिल रही थी बहुत उस वक्त, बड़ी ज़रूरत थी लोगों को, यूरोप अमेरिका भेजे जा रहे थे लोग तलबा फारिग होने वालों को, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए फिर मुझे मजिस्टर के लिए दाखिला मिल गया मक्के में जामे उमुल कुरैश जिसका नाम है। जी हाँ। तो हाँ मैंने मास्टर कर लिया। और क्या था आपका थीसिस? मेरा था हजरत अबू हुरैरा पर था, दिफा अन अन सुन्ना, जो हजरत अबू हुरैरा पर थीसिस था मेरा। अच्छा। कि अबू हुरैरा पर लोग जो हैं हर तरफ से जो है इल्गार करते हैं कि चंद साल की मुद्दत 3-4 साल की मुद्दत रही उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और 5,370 हदीसें बयान कर दी उन्होंने सबसे ज़्यादा, तो एक एतराज़ हो गया ऊपर अबू हुरैरा पर, तो मुझे उसका जवाब देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मेरा यह था उसमें कि ये जो तादाद बताई जाती है किताबों में ये दरअसल वो मतने हदीस नहीं है, ये इसनाद हदीस है, इसनाद की वजह से ये तादाद बनी हुई। अच्छा। और मैंने जब पूरे कुतुब सित्ता और मुसनद अहमद और दूसरी किताबों के मुताले से और सब जमा करके हदीस जमा की मैंने,
तो पता चला कि तमाम हदीसों मिला के 1,500 हदीसें बनती हैं उनकी। अच्छा, और कुछ 500 हदीसें और ले लें जो जिन किताबों तक मैं नहीं पहुंच पाया, यानी 2,000 से ज़्यादा नहीं बनती इनकी हदीस। और 2,000 को फिर हमने जो आप 4 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे उसके दिन गिनते हैं हम, तो कोई 1,000 दिन बनते हैं तकरीबन। तो इस तरह से योमिया 2 हदीस बनती है। सुभान अल्लाह, ये किसी ने आपसे पहले इतना सिंपल किसी ने किए नहीं, इतना सुभान अल्लाह। हालांकि सोचने में तो कितना आसान है, लेकिन उसका जो एक आबकारी है, जो एक होता है माइंड जैसा आपका, माशाल्लाह किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि डिवाइड कर लें कितने अयाम और कितना, माशाल्लाह। बिल्कुल तो मैंने कहा भाई ऐसा सहाबी जो 24 घंटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रह रहा हो, जो दरवाजे पर भूखे प्यासे सो रहा हो, बिल्कुल और जब लोग एतराज करते तुम बड़ी हदीसें बयान करते हो, तो कहते कि तुम तो तिजारत में लगे थे, तुम जो है ज़रात में लगे थे, औरतें जो है अपने जन सिगार और उसमें लगी हुई थी, और मैं तो 24 घंटे बैठ रहा था दरवाजे पर आपके साथ, जहाँ जा रहे हैं जाता फिर आता। तो इस तरह से मैंने हदीस सीखी। ऐसा शख्स अगर 2 हदीस बयान करे तो क्या एतराज़, बिल्कुल सही बात है, उसमें एतराज़ क्या गुंजाइश उसमें। तो आपने फिर मजिस्ट्रेट के बाद ये रिसाला जो है लिखा मैंने, और फिर बहुत पॉपुलर हुआ है उस ज़माने में, बहुत सारे उलमा ने इस पर बड़े लेक्चर दिए, और टीवी पर बहुत बयान आता है इस पर कि भाई ये एतराज़ का जो जवाब बहुत रियाजी के एतबार से माकूल जवाब आज तक किसी के जहन में नहीं आया, तो बहुत मशहूर हुआ रिसाला है। और फिर डॉक्टोरा का, उसके बाद फिर मैं राबते आलम इस्लामी में मुलाजिम हो गया, और उन्हीं के इजाज़त से फिर मैं पीएचडी में अज़हर इंस्टीट्यूट कर लिया, अज़हर इंस्टीट्यूट पीएचडी किया मैंने। तो उस ज़माने में तो बहुत ही कम हिंदुस्तान लोग होंगे अज़हर में। हाँ, मेरे ख्याल में शायद पहला हिंदुस्तानी था जिसने अज़हर इंस्टीट्यूट पीएचडी किया, वो भी हदीस में, वो भी हदीस। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपने तो यहाँ तो कुलिया शरिया था एक ही, तो ये हदीस का शौक जो आपका था, बिल्कुल जो पैशन जो कहते हैं, वो कहाँ से आया आपके अंदर? वो ऐसा था कि मुझे मजिस्टेर में मक्के में मुझे चॉइस दिया गया था 3 शोबे में, तफसीर, हदीस, अकीदा। अच्छा, अख्तियार देगा 3 वर्ष कोई भी तो अख्तियार कर लो। तो फिर मैंने देखा कि चूंकि कुरान याद नहीं मुझे है, तो तफसीर को मैंने अख्तियार नहीं किया। अच्छा, कि बगैर कुरान याद के तफसीर तखसुस ठीक नहीं है। और उसके बाद अकीदे में फिर मैंने सोचा कि अकीदे में अब जो हम अकीदा पढ़ते हैं मोटी मोटी चीज़ें, तो सब पता ही है, तो उसमें मजीद में क्या तरक्की करूँगा, क्या पढ़ूँगा। लेकिन हदीस ऐसी चीज़ है कि अगर हदीस पर मैं तखस्स करता हूँ तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने का मौका मिल जाएगा आपकी हदीसों के ज़रिए। तो मेरे जहन ये बात जो है पक्की हो गई, तो मैंने हदीस को अख्तियार कर लिया, ये सब मैंने हदीस अख्तियार। तो आपने फिर पीएचडी करके हदीस के अंदर आपका क्या था रिसाला वहाँ? हदीस पीएचडी में मेरा रिसाला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले, ये किताब तो फिर आपने वो मुकम्मल करके, फिर मैं मुकम्मल करने के बाद फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि राबते आलम इस्लामी में मैं था, वहाँ पर अच्छी पोस्ट में था और इदारी पोस्ट थी वो, तो मुझे तालीम का शौक़ हुआ कि जिसमें तालीम भी हो, तदरीस भी हो, दावत भी हो। तो फिर मैं मदीना शरीफ, मैंने अपने आप को ट्रांसफ़र करा लिया और फिर मदीना शरीफ में फिर मैंने 25 साल तक तकरीबन। तो जब हम फिर आपके साथ पढ़े तो आपका आखिरी साल था ना वो 19। हाँ, वो जो फिर तकाउद जो होता है, सनत तकाउद जो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो सनत तकाउद के बाद फिर मैंने तमदीद करने की कोशिश नहीं की, क्या कहते हैं उसको, जो एक्सटेंशन जो करते हैं, और फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जामुल कामिल जो मेरा मशरू है मेरे जहन में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सही हदीसों को, क्योंकि दावती काम में मुझे सवाल अक्सर किया जाता था कि आप जो कुरान हदीस की दावत दे रहे हैं, तो कुरान तो पता है हमें मौजूद है, हदीस की कौन सी किताब है जिसकी आप दावत दे रहे हैं? ये तो सही बात है। हाँ, ये सवाल पैदा होता था, लेकिन ऐसी किताब बताएं हदीस की जो सही भी हो और कामिल भी हो। तो मेरे ध्यान में कोई किताब नहीं आती थी, मेरे पास कोई किताब थी नहीं जो सही और कामिल भी हो।
تو آپ نے امام البخاری کا الجامع الصحیح المختصر آپ نے یہ مختصر نکال لیا اور آپ نے بولا ہم الجامع الصحیح الشامل ہم پورا شامل الکامل کریں گے ماشاء اللہ تو آپ نے فکرت امام البخاری کی دیا لیکن پھر آپ نے پھر پورے ماشاء اللہ اور آپ نے کتنے مصادر کتنے حدیث بکس میں تقریباً 170 مصادر استعمال ہوئے الفاظ بھی نہیں آتے ہمارے یعنی کہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چنا ہے اور ہم لوگ کے لیے آپ نے آئے اور قدوہ بنایا ہے کہ ہم آپ کے میں تو اللہ تعالیٰ سے شکر کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا آخری دفعہ آپ کے ساتھ پڑھ لیا الحمدللہ